बाहर निकल जाओ। इसमें कार्ड में कार्ड फंस रहा है इसमें, है ना? नीचे से ही देख, ये किसी ने कार्ड ये लगाया है, और ये देख बैटरी सैटरी है ना, और ये कैसे लगाया, ये ऐसे ये नो लगा जब तो कैसे रहा ये, और ये कैमरा ये रहा, ये इसमें कैमरा ये रहा है ना, एक्चुअली 24 तारीख को बैंक की छुट्टी थी, सुबह करीब 7:55 पर, जो हमारी सीसीटीवी से लग रहा है 7:55 पर, दो लोग अंदर हैं, उसमें एक कैप लगाए हुए है और ब्लू चेक की शर्ट पहने हुए है और एक जैकेट पहने हुए है, उसके पीछे दूसरा खड़ा हुआ है वो जैकेट पहने हुए है, और एक आदमी बाहर खड़ा रहा है गेट पे, वो भी कैप लगाए हुए है। तो उन्होंने एक तो जो कार्डिनेटर पर एक डिवाइस सिस्टम डिवाइस होती है वो लगाई, और एक कैमरा उस कीबोर्ड के ऊपर लगाया हुआ था। उसके बाद में दो तीन लोग आए, कुछ जो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, तो हमारे जो केयर टेकर है उसने बताया कि ये ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमने उससे कह दिया बंद कर दिया, तो उसने कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो बंद कर दिया एटीएम को। तो एटीएम दिन भर सारे दिन बंद रहा, फिर 5 बजे करीब उसको एटीएम को खोला, तो जो पहले कस्टमर गए एक हस्बैंड वाइफ, तो उनका भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर लाइट वाला के देखा, तो उसमें एक डिवाइस हुआ उसमें बैटरी वो नीचे गिरी, तो उनको शक हुआ, तो उन बाहर लोगों को बताया, तो किसी ने हमारे केटे को बताया कि ऐसे के ऊपर लग रही थी बैटरी। हाँ, बैटरी की प्लेट के ऊपर लग, जो की पैड होता है उसके ऊपर लग रही थी, जिससे कि वो पासवर्ड को रीड कर सके। तो जब उसको बताया तो फिर हमने जो उसको फिर बंद करा दिया गेट में अपना, उसका तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में दी? हाँ, हमने पुलिस में शिकायत कर दिया, FIR हमने सोमवार को 26 तारीख को। जो लोग जिन्होंने वहाँ कैमरा और चिप लगाई, सर क्या कुछ पता चल चुका है कि वो कौन है? पता नहीं, पुलिस वाले आए थे, वो वीडियो हमने उनको फुटेज भी दे दिया उसकी वीडियो की, और यहाँ पे आके भी चेक किया है, डिवाइस वो ले जा नहीं पाए, डिवाइस हमारे कब्जे में है, और उन्होंने उसको भी इंस्ट्रक्ट किया था पुलिस वालों ने, तो अभी कौन लोग हैं वो पता नहीं चल पाया है। अभी कोई भी कहीं शिकायत नहीं है किसी तरह के फ्रॉड की, क्योंकि डिवाइस हमारे कब्जे में है, तो कहीं किसी तरह कोई शिकायत अभी तक हमारे पास किसी कस्टमर की नहीं है। कैमरे और चिप लग रही थी, कैमरे चिप लग रही थी।